चलिए, जिस घड़ी का हम सभी को इंतजार था, मतलब काफी एक लंबे अरसे सभी को इंतजार था कि टीवी इंडस्ट्री फिर से कब से शुरू, कब शुरू होगी, किस कदर शुरू होगी, क्या गाइडलाइंस होंगी। तो सर, अब आखिरकार जो गवर्नमेंट से मतलब एक निर्देश आ गया है कि अब हम शुरू कर सकते हैं, बट किस तरह से और कैसे होने वाली है सारी चीजें? गवर्नमेंट का आज जो हमको एक ऑर्डर आया है बहुत ही अच्छा आया है, और ऐसा है कि हमने कुछ SOPs पे काम किया था जो हमने भी बहुत जगह से स्टडी किए थे, अपने बनाए थे। आपको याद होगा तो लॉकआउट के पहले 3 दिन हमने शूट किया था, वो भी ऐसे एक क्वारंटाइन एटमोसफियर में ही किया था। तो हमारे पास भी कुछ हमारे पास बेसिक्स थे, तो ये सबको मिला के हमने एक SOPs बनाए और वो गवर्नमेंट को सबमिट किए थे। हमने रिक्वेस्ट करी थी कि नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द बिजनेस, पर जो व्यूअर्स हैं उनको भी एक रीरन का एक फटिक सेट हो चुका है, और ऑल्सो जॉब लॉस काफी है, बिजनेस लॉस है, इकोनॉमी पे भी। एडवर्टाइजिंग जो होता है ना वो इकोनॉमी पे बड़ा असर होता है उसका, क्योंकि अगर लोगों राइट को एडवर्टाइज करने नहीं मिलेगी तो उनका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, लोगों तक तो पहुंचे बिके, तो पूरी इकोनॉमिक साइकिल में एडवर्टाइजिंग बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि टीवी से ज्यादा होता है। तो हमने बहुत तरीके से एक अच्छा सा प्रपोजल रखा था ब्रॉडकास्टर्स और जो IFTPC के कुछ प्रोड्यूसर्स गए थे, तो उन्होंने हमारी बात ध्यान से सुन के हमारे SOPs को देख के बहुत ही जल्द, यानी बहुत खुश हैं हम कि उन्होंने बहुत जल्द, महाराष्ट्र के CMO चीफ मिनिस्टर साहब उद्धव साहब ठाकरे ने बहुत जल्द हमको अच्छे से न्यूज दे दी कि अभी आप शुरू करो। अब शुरू करने की एक प्रोसेस भी अच्छी बन रही है कि जहां पे हमको एक कुछ गाइडलाइंस फॉलो करके हमको ये अप्लाई करना है, और वो देखेंगे सब कुछ, मुआयना करेंगे जो उनकी जहां जहां उन्होंने जो से बोर्ड्स बनाए, जो ये इसका परमिशन देंगे, जो जगह से हमको परमिशन लेनी है, सो वहां से हमको परमिशन मिलेगी सब कुछ मुआयना करने के बाद, और हम शूटिंग शुरू करेंगे, वहां हम SOPs का पालन करेंगे। तो आशा रखते हैं ये सब कुछ जल्द शुरू हो जाए और बहुत जल्द आपको फ्रेश कंटेंट देखने मिले। कई सारी गाइडलाइंस जो मतलब आप लोगों ने डिसाइड की थी, आप प्रेसिडेंट है, आप चेयरमैन है उस एसोसिएशन की, तो आपने पूरी डिसाइड किया था सारी एक पूरी टीम के साथ, और फिर गवर्नमेंट ने भी काफी जो गाइडलाइंस दी है, तो थोड़ा सा बताएंगे कि मतलब किस तरह की गाइडलाइंस है, क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, अब सेट में क्या नई चीजें हमें देखने को मिलेंगी इस बार? बहुत सारे, जैसे सारे क्राफ्ट्स है, सारे एसोसिएशंस है, ट्रेड बॉडीज फेडरेशन जैसे आपने कहा, हम हैं प्रोड्यूसर एसोसिएशन में, IFTPC जिसमें सबसे ज्यादा टेलीविजन शोज जो आज एक्टिव ऑन फ्लोर है उसके सारे मेंबर्स IFTPC में ज्यादा है। तो हम लोग ने मिलके एक हमारा प्रैक्टिकल अनुभव लेके जो बनाई थी गाइडलाइंस, वो जब उन्होंने अप्रूव करी तो उसमें वही चीज है कि हमको हर क्राफ्ट का, हर किसी का एक रोल उसमें तय हो गया कि जैसे आप एंटर होते हो सेट पे तो प्रोड्यूसर का एक रोल शुरू हो जाता है कि सबको किस तरह से मास्क, पहले सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, हाथ धोना, जो चीजें इक्विपमेंट है उसको सैनिटाइज करना, फिर एक नेक्स्ट आता है हाइजीन की व्यवस्था पूरे सेट पे, सोशल डिस्टेंसिंग की जगह, तो एक्टर्स टेक्नीशियंस वो सबको आप बताते हो कि आप ये एरिया, ये एरिया, ये इस तरह काम करना है। सभी का कॉल टाइम डिफर होगा, पहले क्या होता था 7 बजे की शिफ्ट बोल दी सभी लोग आ गए, कोई भी कभी भी आ रहा है, वैसा नहीं हो सकता है। अब लाइट बॉयज की शिफ्ट ये रही, उन्होंने आके थोड़ा काम कर लिया, साथ में मेकअप की अलग हो गई, साथ में आप देखे तो कलाकारों की अलग हो गई, सभी ने काम करते करते वो एरिया छोड़ दिया। तो इट इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सभी सभी लोग थोड़ा डिस्टेंस रख रख के काम कर रहे हैं, तो उतना वक्त मिलता है कि एक डिपार्टमेंट काम, अगर छोटी जगह है तो एक डिपार्टमेंट काम खत्म करके बाहर निकलेगा फिर दूसरा जाएगा। तो इट इज गोइंग टू बी मल्टीपल वे ऑर्गेनाइजेशन। सुबह आएंगे सब लोग तो डॉक्टर या कोई, हमारे डॉक्टर ही होंगे ज्यादातर, तो वरना मेडिकल का कोई ऐसा बंदा होगा जो सबका टेम्परेचर लिख सके, सबकी जांच कर सके, उस तरह का माहौल होगा। तो बहुत कुछ नया वहां देखने मिलेगा जो कि शूट में नहीं दिखते, दर्शकों को देखने नहीं मिलेगा पर सेट पे नजर आएगा, और दर्शकों को जो देखने मिलेगा उसमें भी कुछ चीजें नहीं आएगी, वो ऐसी है कि आप सभी को थोड़ा थोड़ा दूर दूर पाओगे, हगिंग नहीं होगा, हाँ जैसे हग हो करते गले मिलना कम हो सही, जाएगा, पैर छूना, इंटीमेट सीन नहीं होंगे जैसे टीवी पे ऐसे ही बहुत कम थे, पर कभी कभार रोमांटिक सीन, आपके चहेते थप्पड़ वाले सीन भी नहीं हो सकते हैं, कोई किसी सोशल डिस्टेंसिंग है। हाँ, टेक्निकली हम टेक्नोलॉजी टेक्निक को यूज करके कुछ कर सकते हैं, हमने कुछ चीजें सोची है, वी विल बी अटमोस्ट क्रिएटिव टू एंटरटेन आवर आवर व्यूअर्स,
बट एवरीथिंग विद सोशल डिस्टेंसिंग. सो कहानी लिखने के भी आप देखोगे ना अंदाज बदल जाएगा. सडनली यू विल नॉट सी लॉट ऑफ मैरिजेस एंड लॉट ऑफ क्राउड एंड इट विल टेक टाइम. ऑन अ लिटिल सीरियस नोट इट शुड टेक टाइम. हम भी ना थोड़ा वो कहते हैं ना कि बहुत फूक फूक के चलेंगे. पहला हफ्ता होगा, दूसरा उतना कॉश, क्योंकि हमारी लर्निंग भी बहुत होगी ना. पहले हफ्ते में कुछ सीखे और ये ऐसा है कि सभी के लिए नया है, कोई रोड मैप ही नहीं है. हम सबकी जिंदगी में ये महामारी पहली बार आई है, हमको पता ही नहीं था, हमने कभी भुगता ही नहीं है, देखा ही नहीं है. तो शूटिंग भी ऐसे नहीं हुआ है, तो पहली बार सब होगा. कहने चाहिए मतलब जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो हमें सीन्स में भी नजर आएंगे. मतलब जो थप्पड़ मारने वाला सीन या हल्क सीन, रोमांटिक सीन, डांस ब्रेक, मतलब टीआरपी कही जाती है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी थोड़ा सा बदलाव नजर आएगा ही उसके अंदर. देखो सोशल डिस्टेंसिंग तो आपको रखना ही है. अगर आप वहां नहीं रखते हो तो आप उससे लोगों को भी गलत मैसेज दे सकते हो. तो जो पहला कुछ अरसा है वो तो उसी में जाएगा, तो आपको इंटीमेट सीन हो ही नहीं सकते. तो टीवी से कम ओटीटी पे ज्यादा इसकी, क्योंकि ओटीटी थोड़ा इंटीमेसी से भरा हुआ होता है, तो उनको थोड़ी दिक्कत है ज्यादा आएगी. टीवी में तो दूर से भी पैर छूने की टेक्निक आ जाएगी और गले मिलना खाली डिफिकल्ट होगा. देखते हैं किस तरह आगे बढ़ पाए. आपने बताइए, आपने मतलब आप लोगों ने कुछ डिसाइड किया था, एसओपी जो बनाए थे, फिर जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आई, तो कहीं ना कहीं इसमें मतलब किस तरह से जो एग्री हुआ जब आपकी सीएम के साथ मीटिंग हुई, तो किस तरह से दोनों चीजों पर एग्री, कहीं ना कहीं कोई मतभेद या कोई चीज है जो आप उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहते थे या जिस पे सरकार राजी हुई या नहीं हुई आप लोग की तरफ से, एक सेम टेबल पे कैसे आए दोनों ही तरफ के लोग? देखिए एक चीज कहूंगा कि हमने जो हमको थोड़े से क्लॉजेस लगे उनके एसओपीज में, जो हमने उनको कहा है और जिसका सुधार भी चालू है, जैसे कि 65 साल के ऊपर के कलाकार नहीं आ सकते. तो अभी आप सोचिए, सबसे बड़ा अमिताभ बच्चन साहब केवीसी नहीं हो सकता. तो हमने अमित जी, अनुपम खेर साहब, कितने ऐसे कलाकार है, परेश रावल जी है, कितने डायरेक्टर्स ऐसे हैं, बहुत सारी कलाकार. तो हमने उनको एक लेटर, हमने उनसे कल हमारी एक मीटिंग हुई थी वीडियो कॉल, जो इसमें हमारा सारा गवर्नमेंट के साथ जो कामकाज, जिन्होंने भी इसमें बहुत मदद करी, वो आदेश बांधेकर और हमारे आईएफटीपीसी के एक प्रोड्यूसर है नितिन वैद्य, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. तो हम सब प्रोड्यूसर्स ने मिलके कल आदेश बांधेकर जी को भी कहा भी था कि वो गवर्नमेंट तक हमारा मैसेज पहुंचा है, जो पहुंच भी गया है, कि ये 65 साल की ऊपर के जो कलाकार है उसका एक कुछ करना चाहिए, बच्चों का भी कुछ करना चाहिए स्पेशल परमिशन में. कोई बच्चों का ही शो तो उसमें एक बच्चे पे ही शो, चलो बहुत बच्चे तो नहीं ला सकते, तो उन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए. तो ये एक दिक्कत थी. फिर 24 घंटा डॉक्टर, नर्स और एम्बुलेंस, आजकल हमारे देश में ही डॉक्टर उतने नहीं मिल पा रहे, तो एक जगह पे पूरे दिन रखना संभव नहीं है, और रख के उनकी जो सर्विस लोगों को मिलनी चाहिए वो हम, यू नो, वी आर ब्लॉकिंग इट. तो कुछ कुछ चीजों पर हमने उनके हमारे विचार रखे और वेरी सून वी आर एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई फ्रॉम देम एंड मॉडिफिकेशन. हम कोशिश ये करेंगे कि किसी ना किसी तरह हम मेडिकल फैसिलिटी इस तरह की अवेल करें जिससे सभी का रोज एक टेम्परेचर जो लेना होता है वो ले, ऑक्सीमीटर से सबका ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहे, कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वेशन में रखें, टाइमली ब्रेक्स ले, और अगर किसी के भी थोड़े से भी टेम्परेचर या फीवर के हमको सिम्टम नजर आते हैं तो इमीडिएटली उसका ख्याल रखें. और हाँ, आपने मेन सवाल आपका था डॉक्टर, तो किसी ना किसी तरह हम चेकअप्स वगैरह रेगुलर रखेंगे, उसकी हम पूरी कोशिश और सुविधा की कोशिश करेंगे. हम वहां की हमारे सेट के नजदीक की जितने भी डॉक्टर होंगे या म्यूनिसिपल अस्पताल होगी वहां रिक्वेस्ट भेजेंगे, और एक ऐसी प्लान रखेंगे जिसमें अगर हमको, हम एम्बुलेंस भी घुमाते रहेंगे. हम लोग सोच रहे हैं एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर ले, एक एरिया में ये एम्बुलेंस इतने सेट को घूमती रहे, एक एरिया में यहाँ घूमती रहे, डिस्ट्रिक्ट वाइज, जोन वाइज. तो कोशिश हमारी ये सब चल रही है. अच्छा, अभी अभी तो मतलब एक परमिशन तो आ गई है सरकार की तरफ से, बट डेट हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑन फील्ड ग्राउंड पे हम फिर से शूट स्टार्ट होती देख सकते हैं? जैसे कि आज है, पिछले एक अगले एक हफ्ते में या 10 दिन में, कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सारी चीजें फिर से शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी? देखिए अभी एक परमिशन का प्रोसेस चल रहा है, या तो एक ऑनलाइन एड्रेस आ जाएगा या एक मेल आईडी आ जाएगा, और उस पर जब लोग अप्लाई करेंगे फिल्म सिटी के, मुंबई की सारी जितनी शूटिंग है
उसकी एप्लीकेशन फिल्म सिटी में होगी, एमडी ऑफ फिल्म सिटी विल गिव परमिशन। मुंबई के बाहर जहां होगी वहां के उस एरिया के उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर से परमिशन लेनी होगी। ओके, ये समझ में आ गए। अब ये परमिशन की कौन लेगा? तो टीवी शोज के लिए अगर इतने प्रोड्यूसर्स इंडिविजुअली हर जगह जाके लेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत लोगों का यू नो देयर विल बी टू मेनी पीपल, क्राउडेड हो जाएगा। तो सारे ब्रॉडकास्टर्स जो है वो अपने शोज की परमिशन एक साथ इकट्ठा अप्लाई करेंगे। ओटीटी वेब सीरीज है उसकी एप्लीकेशन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स करेंगे, कंपनियां करेंगी, यानी जैसे अमेजोन है, नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, सोनी लिव है, वूट है, इरोज नाउ, जी फाइव, जितने भी है, बालाजी ऑन, तो ये सारे एमएक्स प्लेयर जितने भी है, अगर मैं किसी का नाम भूल गया तो मुझे याद नहीं, पर सारे ये प्लेयर्स परमिशन के लिए अप्लाई करेंगे अपने शोज के लिए। फिल्म्स के लिए फिल्म प्रोड्यूसर अप्लाई करेंगे क्योंकि वो उनका जिम्मा हो गया, तो ये सारे अपनी चीजों के लिए अप्लाई करेंगे और उनको परमिशन मिलेगी, वो शेयर करेंगे। अब ये प्रोसेस में हो सकता है कि भाई ये अप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट को कुछ और चीजों की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो बुलाएंगे कि ये भरो, जैसे वीजा के लिए अप्लाई करते हैं या किसी भी चीज के अप्लाई, तो हमको एक कॉल आता है ना, ये बाकी की इंफॉर्मेशन और दो, वो मांगा जाएगा और परमिशन मिल जाएगी। तो हम ये देख रहे हैं कि यहां से लेके 8 से 10 दिन की प्रोसेस हो सकती है शायद, तो वो हो जाएगा। हम एक साथ कोशिश ये है कि हम एक साथ इकट्ठा शूट शुरू करें। अब जबकि शूटिंग स्टार्ट हो रही है, सेट पे सारे लोग आएंगे, आपने से बताया कि आप पहले मेकअप मैन, लाइट मैन, टेक्नीशियन सारे एक साथ होते थे, अब उनकी भी शिफ्ट अलग अलग कर दी जाएगी। तो अब जैसे अगर शूट के वक्त आर्टिस्ट अपना मेकअप और टचअप वो सारी चीजें फिर वो आर्टिस्ट खुद करेंगे या फिर कैसे, वो जैसे हर शॉट के पहले उन्हें थोड़ा सा टचअप ये सब सारी चीजें? ये है कि आपने जो कहा कि शिफ्ट अलग अलग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंप्लीट शिफ्ट अलग है कि 7 बजे की दूसरे की 2 बजे की नहीं होगी, कॉल टाइम कहा मैंने 7, अगर 8 बजे की शिफ्ट लगाई है हमने तो कोई 7 बजे आएगा, कोई 7:30 को आएगा, कोई 7:45 को आएगा, कोई 8 बजे आएगा, कोई 8:15 को आएगा। तो क्या है ना, एंट्री पे क्राउड नहीं मिला आपको, सब अपने अपने हम रूट बना देंगे कि ये यहाँ से गया उसको बंद कर दो, ये यहाँ से गया वो एरिया बंद कर दो, ये यहाँ से, तो इट इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक मैकेनाइज, अब एक होता है ना एक मैकेनिज्म बनेगा, तो सभी लोग अपना प्लान बनाएंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो सब आ गए सेट पे, काम शुरू हो गया, और फिर जो ब्रेक भी ऐसे ही होगा कि भाई पहले खाने के ब्रेक है, बीच बीच में हैंड वॉशिंग के ब्रेक रहेंगे, सैनिटाइजेशन होता रहेगा दिन भर में, हाइजीन का बहुत केयर किया जाएगा, सारे वॉशरूम्स को बार बार धोया जाएगा, जितनी गाइडलाइंस है उसको दिन में बहुत बार फॉलो किया जाएगा। अच्छा, शूट स्टार्ट हो गई है बट कहीं ना कहीं मतलब एक खतरा अभी भी हमारे सर पर है, केसेस आजकल बढ़ रहे हैं, कोविड के जो केसेस बढ़ रहे हैं, सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, उम्मीद करते हैं सब अच्छे से हो जाएगा, बट खुदा ना खास्ता कभी कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है सेट पे जिस वजह से कोई पॉजिटिव हो जाता है, कोई इन्फेक्टेड हो जाता है, तो उस टेक्नीशियन के लिए या उस मेकअप मैन या उस जो भी उस ग्राउंड स्टाफ का बंदा है उसके लिए क्या इंश्योरेंस है या किस तरह से उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने वाले हैं उनकी इंश्योरेंस के लिए, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए? अब माहौल ऐसा है कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को ये कोरोना वायरस हो गया था, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कितने सिक्योर एटमॉस्फेयर में रहे होंगे, तो किसी को भी हो सकता है। अगर आप घर से बाहर निकलते हो, चाहे आप शूटिंग पे आते हो ना, तो मॉल में, अब मॉल भी खुलने वाले, आप कोई नहीं, आप सब्जी लेने गए हो और वहां से भी हो सकता है। सो ये हमको सबसे बड़ा डर ही है और हम यही चाहते कि ना हो, इसलिए तो इतने सारे SOPs बनाए। फिर भी कहीं किसी को हादसा हो गया तो ध्यान रखेंगे कि उसका किस तरह, तब गवर्नमेंट के क्या रेगुलेशन है, उसको क्वारंटाइन का तब क्या पीरियड है वगैरह वगैरह ध्यान रखा जाए। रही बात वो वर्कर की या किसी की भी, वो प्रोड्यूसर को भी हो सकता है वो सेट पे जाएगा, तो डेफिनेटली हम इंश्योरेंस कंपनी से बातें चालू है हमारी, और अभी तक तो कोई COVID-19 जैसा कोई फैक्टर ही नहीं था, तो कोई कभी कवर ही नहीं करता था, तो अब हम चाहेंगे कि उसका भी ध्यान रखा जाए और जो भी आ रहा है जिसकी जितनी केयर हो सके वो लेने की कोशिश है। पर इसमें सबसे बड़ी बात एक बता दूं मैं, मेरे को अब वो कॉन्सेप्ट समझ आया मोदी जी का कि उन्होंने कहा था आत्मनिर्भर, तो ये क्या, सभी को इस तरह रहना है कि भाई मैं मेरा कर सकता हूं, मैं मेरा कर लूंगा, मैं अपने आप को इतना संभालूंगा कि मैं इतना अपनी इम्यूनिटी को बना के रखूंगा, मैं मेरे काम में सोशल डिस्टेंसिंग इतना मेंटेन करूंगा, मैं कहीं पे थूकूंगा नहीं, मैं सिगरेट पी के खांसूंगा नहीं, वैसी
पचासों चीजें हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को भी संभाल सकते हो और दूसरों को भी संभाल सकते हो और आत्मनिर्भर रह सकते हो, ये बात। तो इसमें भी हम चाहेंगे कि सब उतना ही चौकन्ना रहे, एंड हियर वी आर गोइंग टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरीली केयरफुल एंड स्ट्रिक्ट विद पीपल। तो और अगर किसी को हो गया तो डरने वाली बात नहीं है, हम सब इकट्ठा खड़े रहेंगे और जिनके साथ जो होगा उसका जो भी हमारी अभी कुछ दिनों में फाइनल हो जाएगी चीजें उस तरह से सभी का ख्याल रखा जाएगा। बिल्कुल सर, इतने प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं सारी चीजें एक बार फिर से नॉर्मल हो, सब कुछ स्मूथली चले और एक बार फिर से जो हमारा रिश्ता है और सारी चीजें हैं जो एक बार फिर से नॉर्मल लाइफ जिस तरह से सभी जी रहे थे उसमें वापस आ जाए। जाते जाते सभी दर्शकों, फैंस, व्यूअर्स जो इतने दिनों से रिपीट शोज, रिपीट टेलीकास्ट देख रहे थे, अब कहीं ना कहीं एक फ्रेश टेलीकास्ट, फ्रेश न्यू कॉन्टेंट देखने को मिलेगा, तो उन्हें आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? देखो, न्यू कॉन्टेंट की तैयारियां होनी शुरू हो गई है, पर ये बहुत दिनों से जो इंतजार था आपको, जिन कलाकारों को और सबको प्यार करते हैं, वो जल्दबाजी ना कर बैठे, वो ऐसे मस्त धीमी आंच पे पके और सही समय पे आपको दे और ऐसे माहौल में काम करे ताकि दोबारा उनको उस शूट बंद करने की सिचुएशन ना आए, वो इस तरह आगे बढ़े। तो इंतजार थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, पर मान लीजिए शुरुआत हो चुकी है। जी, थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए। आज हम स्काइप के जरिए वीडियो कॉल कर रहे हैं, जल्द उम्मीद करते हैं कि आमने सामने एक बार फिर से बैठकर इंटरव्यू कर सके। श्योर, थैंक यू वेरी मच।